तो बच्चों, हम संचयन के अंतर्गत हरिहर काका पाठ पर जो है चर्चा कर रहे थे। हरिहर काका पाठ की जानकारी ले रहे हैं, जिसके लेखक कौन है बच्चों? मिथिलेश्वर। तो अभी तक हमने ये देखा कि मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका के बारे में जो जानकारी दी, उससे हमें ये पता चला कि हरिहर काका का जो गांव और हमारे लेखक मिथिलेश्वर का गांव एक ही है। और मिथिलेश्वर जी ने अपने गांव की विशेषता बताई, जिसमें उनके विशेषकर ठाकुर बारी का उन्होंने उल्लेख एक्सप्लेनेशन बहुत सारा दिया कि ठाकुर बारी क्या है। ठाकुर बारी के बाद वे आगे बढ़े, उन्होंने हरिहर काका के परिवार का परिचय दिया कि उनके कितने भाई हैं? कुल 4 भाई हैं। और परिवार में जो है बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं सब कुछ। तो हरिहर काका की कोई संतान नहीं है ना। हरिहर काका ने 2 शादियाँ की, लेकिन दोनों पत्नियाँ जो है बिना संतान के ही मर गई। अब तीसरी शादी करने के लिए इनको फोर्स किया गया, लेकिन इन्होंने उसके लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एज भी ज़्यादा हो रही थी और धर्म की दृष्टि, मतलब धार्मिक दृष्टि से भी उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपने भाई के बच्चों को ही अपनी संतान मानकर उनको प्यार वगैरह देना, मतलब प्यार वगैरह तो पहले से ही देते थे, देना शुरू किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हरिहर काका के परिवार के पास, मतलब इस हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे, बीघा का मतलब मैंने जो है लास्ट क्लास में बताया था आपको, तो कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे आती है, 15 15, मतलब 60 बीघा पूरा है। और 60 बीघा को कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने पर 15 15 ईच वन को जो है आ जाती है जमीन खेत। और कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, मतलब पूरा परिवार जो है एक तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। मतलब यह सारे, मतलब जो भी 60 बीघा जमीन है, ये डिवाइड नहीं हुई है। लेकिन अगर ये लोग चारों भाई डिवाइड हो जाते हैं, तो सबको इक्वल पार्ट्स में 15 15 बीघा जमीन आने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बट ये लोग जो है जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, और इनका पूरा जो व्यवसाय प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर और जॉइंट में रहने के कारण, एग्रीकल्चर के कारण हमें जो है ये जॉइंट फैमिली का परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाँव में जो भी हमें जॉइंट फैमिलीज दिखते हैं, वो एग्रीकल्चर के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं तो शहरों में तो आप जानते हैं कोई एग्रीकल्चर वगैरह तो होता नहीं है। इसलिए लोगों के अपने अपना जीवन है, वे लोग सारा जो है एक तरह से माता पिता से या अपने परिवार से अलग अपना क्या बताते हैं, घर बसाते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली का हमारे लिए अगर उदाहरण चाहिए, तो वो गाँव में ही, विलेज में ही हमें मिलता है, कहकर लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने, ठीक है, त्रिभद्र से इनको, तो हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को, अपने वाइफ्स को यह सीख दी थी कि यह बता दिया था, या यह एक तरह से जो हम लर्न करके या उनको सिखा दिया था, बता दिया था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें। ओके ना? तो सेवा, जानते ही आप लोग कि बड़े होने के कारण हरिहर काका की पूरी तरह से सेवा करने की जो है वहाँ पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको दी थी? अपने भाइयों ने अपने पत्नियों को दी थी। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, मतलब टाइम टेबल के अनुसार जो है सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, नाइट में डिनर करते हैं, तो टाइम के अनुसार जो है उनको खाने पीने दे, किसी बात की तकलीफ ना हो दे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उन्हें आने न दे, इस तरह से उनकी सेवा करने के लिए कहा। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, मतलब सम डेज तक जो है कह सकते हम 1 साल 2 साल तक जो है वो उन्होंने हरिहर काका की अच्छी तरह से जो है वहाँ पर सेवा की। फिर उन्हें कौन पूछने वाला? आफ्टर कुछ दिनों के बाद जो है, आफ्टर सम डेज के बाद, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी देख रेख, ठीक है ना, उनकी देख रेख, उनको जो है आफ्टर, मतलब इनके भाइयों के बाद देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। तो भाइयों की जो पत्नियां थी, वो हरिहर काका को धीरे धीरे उन्होंने जो है नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया।
क्यों नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्यों वो हम आगे बताते हैं। तो नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया, और जो भी घर में अच्छे अच्छे व्यंजन, व्यंजन मतलब जो है एक तरह से जो भी हम खाने पीने की जो चीज़ें बनती थी, ठीक है ना, मतलब कुकिंग में जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें बनती थी वो सारी जो है अपने मर्दों को, अपने पतियों को, है ना, वो खिलाती थी। और लास्ट में पति खा पति सारे पति खाने के बाद जो बच जाता था, बचने के बाद जो सेव हो जाता था, वो सेव जो बचा हुआ है वो जो है हरियर काका को खिलाते थे। ठीक है, तो हरियर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें, मतलब जो भी बच गई है अब, वो चीज़ें जो है आती थी। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खा कर ही डाय, कुछ भी नहीं मिला तो रोटी, सूखी रोटी, वहाँ ना उनके लिए जो है वेजिटेबल्स है, ना वेजिटेबल करी से, ना कुछ भी है, रूखी सूखी रोटी से ही, रोटी चपाती आप जानते हैं, चपाती से ही उनको जो है काम चलाना पड़ता था। मतलब धीरे धीरे अच्छा खाना भी, ठीक है ना, अच्छा जो है एक तरह से भोजन भी देना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। किन्होंने? ये हरियर काका के एक तरह से भाइयों की पत्नियों ने। तो देखिए स्टार्टिंग में तो उन्होंने अच्छी तरह से जो है उनको देखा, ठीक है ना, केयर लिया, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पास द टाइम, उसके बाद उन्होंने नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बातें। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती, इफ़ वे किसी कारण इल हो जाते, मतलब जो है उनका कोई एक तरह से बुखार आ जाता, ठीक है, अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती, तबीयत मतलब उनकी हेल्थ, ओके ना, हेल्थ खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते, वो प्रॉब्लम में पड़ जाते। क्यों प्रॉब्लम में पड़ जाते? इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी तो उनका परिवार बिग था, ठीक है ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली था, तो इसलिए परिवार, उनकी फैमिली बहुत ही बड़ी थी। बड़ी होने पर भी, ओके ना, उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था, उन्हें वाटर तक जो है, मतलब जब वो एक तरह से उनका हेल्थ खराब हो गया है तो उनको वाटर डाकर देने वाला भी कोई नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल, सभी अपने कामों में बिजी थे, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। रिपीट। तो बच्चों, तो देखो हमें अभी यहाँ तक समझ में आया कि जब हरियर काका का हेल्थ खराब हो जाता है तो उन्हें देखने वाला, उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है घर में। तो उनकी जॉइंट फैमिली है, बिग फैमिली है, वो बिग फैमिली में इतने सारे लोग, सो मेनी पीपल्स आर देयर, बट क्या होता है वहाँ पर, उनकी देखरेख करने वाला, उनका केयर करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर कभी उनको वाटर की ज़रूरत पड़ी, वाटर भी जो है लाकर देने वाला कोई नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग, ठीक है, सभी लोग जो है अपने अपने कामों में, अपने अपने वर्क में बिजी होते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमाचौकड़ी मचा होते, मतलब धमाचौकड़ी मचाते घर के बच्चे। घर के बच्चे या तो क्या करते, स्टडीज़ करते या तो धमाचौकड़ी इंजॉयमेंट करते, होके ना शोर करते, शाउटिंग करते रहते थे। मर्द खेतों पर गए रहते, मर्द मतलब जो एक तरह से आदमी है, या जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मेल पर्सन जो भी है वो खेतों पर जाकर काम करते, फील्ड्स पर जाकर काम करते रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, और जो घर में औरतें होती थी, क्योंकि औरतें तो खेतों में काम करने नहीं जाती थी, वो घर के ही सारे काम, हाउस के ही मतलब सारा जो है वर्क वगैरह देखना पड़ता था, तो लेडीज़ ने भी जो है उनका हाल, उनको जो है केयर नहीं किया। ठीक है, दालान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। दालान मतलब कॉरिडोर, कॉरिडोर में जो एक रूम होता था उसमें वो बेचारे जो है बेड पर जो है पड़े रहते थे, बस जो भी उनको कोई ना कोई नीड होता था वह उनको सेल्फ जो है अपने सेल्फ सारे जो है काम करने पड़ते थे, कोई उनको जो है सहायता हेल्प करता नहीं था। ये कब की बात बता रहे हैं बच्चों, कि जब वे उनका हेल्थ खराब हो जाता, दैट सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, दालान के कमरे में मतलब कॉरिडोर में जो एक रूम हुआ करता था, उस रूम के बेड में वो जो है पड़े रहते थे क्योंकि बीमार हैं, लेकिन उस बीमारी में भी उनके जो भी नीड्स है उन्हें सेल्फ जाकर जो है उठकर करने पड़ते थे। वो किसी, कोई भी जो है घर की औरतें आकर, लेडीज आकर उनकी हेल्प नहीं करती थी या केयर उनकी नहीं करती थी। तो देखिए, तो ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरियर काका की आंखें भर आती।
बेचारे जो है सैड हो जाते अपनी वाइफ्स को याद करके, क्योंकि उनकी दोनों वाइफ जो है क्या हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इन दैट सिचुएशन उनको अपनी वाइफ्स की जो है एक तरह से याद आ जाती थी और वो बेचारे सैड हो जाते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। तो पहले अपने भाइयों के साथ, ब्रदर्स के साथ जो अटैचमेंट था, वो अब इसी सिचुएशन में धीरे धीरे उनके साथ अटैचमेंट जो है एक तरह से टूटने लगा। टूटने का मतलब है ब्रोकन होने लगा। जैसे जॉइंट फैमिली में एक बड़ा है, बिग ब्रदर है, तो अपने स्मॉल ब्रदर्स को जो है बहुत ही लव अफेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है। लेकिन अब इस बड़े से परिवार में, इस बिग फैमिली में उनकी देखरेख, उनको केयर करने वाला ही कोई नहीं है। तब धीरे धीरे जो अफेक्शन है वो क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है। तो इसी सिचुएशन में जब वो बीमार पड़े थे, जब इनका हेल्थ खराब हो गया था, तो उनकी केयर करने वाले ना इनके भाई थे, ब्रदर्स थे, ना ब्रदर्स के जो भी वाइफ थे, वो भी किसी ने भी जो है उनको एक तरह से मदद नहीं की। ऐसे समय में ही हरिहर काका के जो मोह भंग का मतलब होता है कि ब्रदरहुड की जो भावनाएं थी या ब्रदर्स के साथ जो लव अफेक्शन था, अटैचमेंट था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा बच्चों, टूटने लगा, ब्रोकन होने लगा ऐसे ही सिचुएशन में। और फिर एक दिन तो वन डे विस्फोट, ब्लास्ट हो गया। उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब देगी, पेशेंसी से काम ले रहे थे। उनको जो है घर में ऐसे एक तरह से बेगर के समान हो, या कोई ऐसे बाहर से आया हुआ ऐरा गैरा व्यक्ति है ना, अननोन पर्सन के समान जो उनके साथ ट्रीट किया जा रहा था। तब अब पेशेंस ही उन्होंने रखी, लेकिन एक दिन जो है ब्लास्ट हो गया और उन्होंने आंसर भी दे दिया उसके लिए। क्या देखिए, वो उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। आपको बताया गया था भतीजा मतलब ब्रदर का ये बेटा, भतीजा मीन्स ब्रदर सन, ओके ना। तो ब्रदर्स का सन जो है वो क्लर्की, क्लर्की मतलब जो क्लर्क का काम कहाँ पर कर रहा था बच्चों, शहर में कर रहा था। तो शहर के उस भतीजे का कोई दोस्त मित्र जो है गांव आया था यहाँ पर हरियर काका के घर। तब उसी के आगमन के उपलक्ष्य में वो आया था, तो इज ए गेस्ट है ना। अब गेस्ट आने के कारण क्या किया जाता है, अच्छी तरह से वेलकम किया ही जाता है ना। तो उसी के आगमन के उपलक्ष्य में दो तीन तरह की सब्जी, 2-3 टाइप्स ऑफ जो है क्या, करीस बने, ठीक है, बच के मतलब बहुत सारे ऐसे स्वीट्स वगैरह बने, चटनी बनी, साथ साथ में रायता, रायता मतलब कड़ में जो है एक तरह से बूंदी डाल के बनाई जाने वाली होती है रायता, तो वो रायता आदि बने थे, ठीक है ना। दिस आर ऑल मतलब जो एक तरह से गेस्ट आने के बाद उसके वेलकम में या उसके लंच के लिए जो अच्छी अच्छी जो है भोजन बगाया गया, भोजन में ये चीज़ें पकाई गई। बीमारी से उठे हरियर काका का मन, अब अभी अभी वो जो है उनका हेल्थ ठीक हो गया था, तो बीमारी से उठे हरियर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। तो स्वादिष्ट मतलब आप लोग जानते ही हैं, वेरी टेस्टी, मतलब अब कोई भी गेस्ट हमारे घर आता है तो टेस्टी हम लोग एक तरह से लंच वगैरह सब बनाते हैं। तो उस टेस्टी लंच को देखकर इनके मन में भी एक तरह से आशा, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन जो है जाग गई कि मुझे भी आज अच्छा भोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, ठीक है ना, मन ही मन मतलब जो है हार्टली, उन्होंने हार्ट में ही अपने एक तरह से भतीजे के दोस्त मतलब अभी मैंने बताया कि ब्रदर सन का जो एक तरह से मित्र फ्रेंड यहाँ पर हमारे उनके घर जो आया था, सराहना, उनको अप्रिशिएट किया, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें, ओके ना, विद दैट उनको अच्छी चीज़ें जो है खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई, लेकिन टोटल अपोजिट हो गया। जो वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे आज जो है अच्छा टेस्टी भोजन खाने को मिलेगा, तो उसके क्वाइट अपोजिट हो गया। सबों ने खाना खा लिया, ऑल पीपल्स ने क्या कर लिया, खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया, नो वन कैन, हाँ, उनके कमरे में गए और पूछे चलिए खाने के लिए, किसी ने भी उनको पूछा नहीं। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। तीनों भाई ने जो है लंच कर लिया, खा लिया उन्होंने भोजन,
और वो खलियान में, खेतों में, फील्ड्स में चले गए, दौनी हो रही थी। दौनी का मतलब जो है खेत, जो क्राफ्ट होते हैं उसको कटिंग हो रही थी उनकी। वे बस वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका तो पहले ही खिला दिया होगा। मतलब भाइयों को ऐसा लगा कि हरियर काका को फर्स्ट ही हमारे से पहले ही जो है उनको खाना दिया होगा और उन्होंने खा लिया भी होगा। सोच कर, थिंक करके वे लोग चले गए थे। अब समझ में आया बच्चों? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों क्या कह रहे कि हरियर काका के साथ वे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हरियर काका को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपको पता चला होगा। भाइयों को अभी तक पता नहीं है अपनी पत्नियों के बारे में, वाइफ के बारे में। वाइफ किस तरह से, देखो जॉइंट फैमिली में किस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लेखक हमारे सामने रख रहे बच्चों। जॉइंट फैमिली इसमें जो है बड़े, मतलब सारे, बहुत सारे लोग मिलजुल कर, सो मेनी पीपल्स आर जो है क्या है, कलेक्टिवली एक जगह रहते हैं, खाना वगैरह सब जो है एक जगह ही बनता है। तो हरियर काका की पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए उनको जो है क्या किया जा रहा था, वहाँ पर केयरलेस किया जा रहा था। किनके द्वारा? अपने ब्रदर्स के, वाइफ्स के द्वारा। तो उन्होंने पेशेंस ही रखी। लेकिन एक दिन जब कोई गेस्ट घर आता है तो अच्छा भोजन है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती ही है, खाने पीने की चीज़ें, लंच के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। इन्हें भी एक्सपेक्टेशंस थे कि मुझे भी आज जो अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन क्वाइट अपोजिट हो गया। उनको किसी ने पूछा भी नहीं, सब लोगों ने खा लिया, सब लोग अपने अपने वर्क में बिजी हो गए, लेकिन हरियर काका ने खाया या नहीं खाया ये किसी ने जो है एक तरह से पूछा भी नहीं। तो देखिए आगे, अंत में लास्टली हरियर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल, स्वयं दालान मतलब वो जो मैंने बताया आपको, हमारी एक तरह से कॉरिडोर का जो कमरा था, रूम था, उस रूम से जो है वो आउटसाइड आ गए, मतलब बाहर आ गए, हाँ, कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। हवेली मतलब जो बड़ा सा कमरा होता है, जो हॉल में आ गए वो आकर। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। रूखा सूखा मतलब ड्राई, जो भी जो है अब बच गया है, लास्ट में जो रह गया है वो रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने इन फ्रंट ऑफ काका रख दिया। क्या क्या रखा? भात, भात मतलब राइस, मट्ठा, मट्ठा मट्ठा मतलब जो है एक तरह से हम कह सकते हैं जो दही से ही बनता है ये मट्ठा, और अचार, अचार तो जानते हैं आप लोग, पिकल्स, वो लाकर रख दिया। तो देखिए बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। तो तुरंत ये जो है पूरी तरह से जो है एकदम गुस्से में आ गए। बदन में आग लग गई का मतलब है वेरी एंग्री हो गई है। तो उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी, उन्होंने वो प्लेट उठाई और बीच आंगन में थ्रो कर दी। उन्होंने झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। मतलब आंगन तो जानते हैं आप लोग, जो कॉरिडोर वगैरह होता है, कॉरिडोर में जाकर जो है वो प्लेट गिर गया और उसका साउंड बहुत कुछ आ रहा था, क्योंकि घर बहुत बड़ा था तो सराउंडिंग मतलब पूरी तरह से जो है वो साउंड सराउंड हो रहा था। भात बिखर गया, राइस इधर उधर जो है मतलब स्प्रेड हो गया। विभिन्न घरों में बैठी, मतलब अलग अलग कमरे में, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट रूम में बैठी हुई, मतलब जो सिटेट, जो लड़की लड़कियाँ, बहुएं, बहुएं मतलब जानते ही आप लोग, एक तरह से क्या है, डॉटर इन लॉज, ओके, सब एक ही साथ बाहर निकल आई। सभी लोग जो अपने अपने कमरे में, अपने अपने रूम में बैठे हो, वे लोग तुरंत जो है कहाँ पर आ गए, आंगन में आ गए। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। गरजते हुए, चिल्लाते हुए, रोरिंग करते हुए वो हवेली से दालान की ओर, कॉरिडोर की ओर चल पड़े। समझ रही हो? और क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कहा उन्होंने, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाते हो, मतलब कहते हैं अपनी बहुओं को, अपने डॉटर इन लॉ को और बाकी जो बहुएं उनको क्या कह रहे थे कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, मुझे जो है मुफ्त में, फ्री में जो है तुम खिलाती हो। तो अपने मन से ये बात निकालो, अपने हार्ट से और अपने जो है एक तरह से माइंड से दिस मतलब इस तरह की बातों को निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार मतलब मेरे हिस्से में भी, माई साइड भी जो है कितने 15 बीघे जमीन आती है, और उस 15 बीघे जमीन में जो भी क्राफ्ट होती है, जो भी पैदावार होती है, वो सब इसी घर में आती है, ओके ना, कोई बाहर नहीं जाती है। उसमें से मैं दो चार नौकर रख लूँ,
उसमें से अगर मैं जो है 2 और 3 एक तरह से सर्वेंट्स रख लूँ, आराम से खा सकता हूँ, ओके ना, आराम से वेरी हैप्पीली जो है मैं खा सकता हूँ, तब तब भी कमी नहीं होगी, मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं एक तरह से अर्फन अर्फन या फिर बेसहारा, मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा मत तुम लोग जो है अंडरस्टैंड करो। मेरे धन पर तो, मेरे प्रॉपर्टी पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, इंजॉय कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, नाउ आई विल टेल यू ऑल ऑफ यू, और सबको जो एक तरह से वार्न करते हुए वे आगे बढ़े। तो समझ में आया ना? तो देखिए, हरियर काका ने भी पेशेंस ही रखी, तो ठीक है जो भी खाने को मिल रहा है उन्होंने जो है एडजस्ट कर लिया था, लेकिन कितना एडजस्ट करेंगे हम, कोई भी पर्सन, हाउ मच, हाँ, मतलब जो एडजस्ट करने का भी कोई ना कोई टाइम लिमिट, कोई ना कोई एक समय सीमा होती है, ठीक है ना। तो उनकी पेशेंस ही टूट गई और उन्होंने चिल्लाकर, गुस्से में, एंग्री होकर सबको कह दिया कि मेरे हिस्से में भी, मतलब मेरे 4 भाई, हम 4 भाइयों के लिए कितने कितने बीघे जमीन आएगी, 15 15 जो है बीघे जमीन आएगी। तो 15 बीघे जमीन की जो पैदावार, जो क्राफ्ट होता है, वो क्राफ्ट सारा का सारा जो है इसी घर में आता है। अगर मैं उसको अलग कर लूँ, मैं आप लोगों से अलग हो जाऊँ, इस घर से जो है मैं एक तरह से डिवाइड हो जाऊँ, डिवाइड होने के बाद 2 4 2 और मोर नौकरों को रख सकता हूँ, सर्वेंट्स को रख सकता हूँ, सर्वेंट्स भी खाए तो भी बहुत कुछ जो है सेफ हो जाएगा, मैं आराम से हैप्पीली अपना लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। तो मेरे धन पर, मेरी प्रॉपर्टी पर तुम लोग इंजॉय कर रहे हो, आप सबको बताऊंगा क्यों, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ जो है एक तरह से एक बेगर का जैसा जो है ट्रीट कर रहे हो। तो मैं अब चुप बैठने वाला नहीं हूँ, आई विल नॉट, अब से जो है मैं क्वाइट नहीं रहूंगा, और आप सबको जो है मैं बताऊंगा। ये वॉर्न करते हुए वो चले जाते हैं वहां से। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को कि हरियर काका हमारे कितने पेशेंसी से जो है काम कर रहे थे, और जब उन्हें ऐसा लगा कि सबके साथ उनको अलग करके जो है देखा जा रहा है, सबके साथ उनको डिवाइड करके देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं थी, उनके भाई, उनके बच्चे नहीं थे, कोई भी नहीं थे, और ये काम करने नहीं जाते थे, ये खेतों पर काम करने नहीं जाते थे, ये घर में ही रहते थे, इसलिए भी शायद ऐसा हुआ होगा। ओके, तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आपको ये पता चला कि हरियर काका के इस जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे और हरियर काका के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था। इन बातों की हमें जानकारी हो गई कि हरियर काका के फैमिली मेंबर्स ही उनको कैसे ट्रीट कर रहे थे, इसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। तो जिस समय वो अपने, ठीक है ना, डॉटर इन लॉस को ये सारी बातें जो बोल रहे थे, टॉक कर रहे थे कि हाँ मैं सबको देखूंगा, बताऊंगा, मेरे प्रॉपर्टी पर तुम सब लोग इंजॉयमेंट कर रहे हो और मेरे साथ इस तरह का ट्रीट कर रहे हो, है ना, तो ये सारी बातें जब वो बोल रहे थे उसी समय, इन दैट टाइम ओनली, हमारे मतलब इस गांव के, हरियर काका के गांव के जो ठाकुर बारी है, ठाकुर बारी का पुजारी, पुजारी मतलब प्रेस्ट, जो पूजा वगैरह करता है मंदिर में जो है भगवान की जो पूजा वगैरह करता है उसको प्रेस्ट कहते हैं, प्रेस्ट, है ना, या पुजारी, वो वहाँ पर उनकी दलान में बैठा हुआ था, ठीक है ना, कॉरिडोर में ही वो बैठकर ये सब सुन रहा था, ये लिसन दिस ऑल द, मतलब बातें, टॉकिंग हरियर काका की, उनकी डॉटर इन लॉ के साथ जो भी हो रही थी बातें वो सुन रहे थे, ठीक है ना, लिसन कर रहे थे। तो वे किस लिए आए थे? वार्षिक हुमाद के लिए। वार्षिक हुमाद, हुमाद का मतलब होता है, अब ईयरली एक बार जो है हवन होता है, मतलब बड़ा सा मंदिर है, ठाकुर बारी बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर में हवन, हवन मतलब वो जानते हैं कि जो है चारों तरफ बनाया जाता है, उसमें लकड़ियाँ वगैरह सब डालकर जो है वो जलाया जाता है, उसे हवन कहते हैं। तो हवन की सामग्री, सामग्री मतलब इंग्रेडिएंट्स, है ना, और के लिए वह घी और शकील लेने आए थे, घी शक्कर वगैरह, घी मतलब जानते ही आप लोग, वो दूध से जो मिल्क से बनता है घी, है या नहीं, तो वो सब चीज़ें लेने के लिए आए थे, इनके घर, हरियर काका के घर पर आए हुए थे, कौन, गांव के ठाकुर बारी के पुजारी, प्रेस्ट। ओके, लौटकर उन्होंने महन जी को अब
सेक्रेटरी जो ठाकुर बारी का महंत, मतलब सेक्रेटरी ठेकरे जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई, डिटेल में सारी जो है यह बातें, जो हरियर काका के घर में क्या क्या हो रहा था, हिनी होम क्या क्या जो है सिचुएशंस है, किस तरह का जो है प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर, ये सारा डिटेली जो है उन्होंने सेक्रेटरी को, मतलब ठाकुर बारी के महंत को सारी बातें बता दी। उनके कान खड़े हो गए, मतलब ही अलर्ट हो गया, है ना, महंत जो सेक्रेटरी है वो अलर्ट हो गया। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ और ठाकुर बारी के इस सेक्रेटरी को ये लगा आज का दिन, मतलब टुडे का जो डे है वो बहुत ही जो शुभ लकी है उनके लिए, ऐसा उन्होंने माना। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाना उचित समझा, मतलब ऐसे ही जो गुजर जाना, मतलब लेटिन भी जो है आज का दिन जो है गुजर जाने दो, हो जाने दो। कल तक्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। ठीक है ना, उचित नहीं समझा, मतलब उसी दिन जाकर, इन दैट ओ डे ओनली, जिस दिन ये जो है प्रॉब्लम हो गई थी हरियर काका के घर में, उनके डॉटर इन लॉ और जो है एक तरह से उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े या बातें हो चुकी है उस पर बातचीत करने के लिए महंत उसी दिन नहीं गया, इन दैट डे ओनली ही नेवर वेंट। अगले दिन नेक्स्ट डे तुरंत सुबह सुबह ही, मॉर्निंग मॉर्निंग ही उन्होंने क्या कर लिया, टीका टीका मतलब जो है जानते हो सिंदूर लगाते, टीका तिलक किया, ठीक है ना, उसी के साथ कंधे पर अपने शोल्डर्स पर राम नामी चादर, जो शो एक तरह से शॉल जिसपे राम नाम राम 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 लिखा होता है, ओके ना, वो शॉल जो है उन्होंने ओढ़ ली और ठाकुर बारी से वो चल पड़े। किसके घर चल पड़े, हरियर काका के घर पर। संयोग अच्छा था, है ना, मतलब एक तरह से वह कोइंसिडेंस बहुत ही गुड था कि हरियर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा, मतलब हरियर काका का जो कॉरिडोर है, घर का जो कॉरिडोर है वहां तक जाने की नो नीड टू जाए, मतलब उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। तब रास्ते में ही हरियर काका, हाँ, तो रोड पर ही, घर के रास्ते पर ही, घर का जो रास्ता था सड़क पर ही, एक तरह से हरियर काका से उनकी जो है क्या हो गया, मीटिंग हो गई। ओके, गुस्से में घर से निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे, ठीक है ना, मतलब बहुत ही एंग्री थे, अभी भी जो है एंगर में थे, वो गुस्से में थे, गुस्से में वो खलियान की तरफ, खलियान मतलब अपने फील्ड्स की तरफ जो है जा रहे थे, लेकिन महन जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया। लेकिन हमारे जो सेक्रेटरी है, ठाकुर बारी के सेक्रेटरी, उन्होंने उन्हें जाने से जो है स्टॉप कर दिया, कहाँ पर जाने के लिए, फील्ड्स पर जाने के लिए उनको स्टॉप कर दिया।